नगर रोड पर गंदगी का ढेर, गौमाता खा रही पॉलिथीन, जनसुनवाई में उठा मुद्दा। चित्तौड़गढ़ में आयोजित हुई आज जनसुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर को अवगत कराया गया कि विश्व हेरिटेज सिटी में शुमार चित्तौड़गढ़ किले पर देश विदेश से कई सैलानी घूमने आते हैं, जहां किला रोड स्थित सावलिया धर्मशाला में पर्यटक रात्रि विश्राम भी करते हैं। यहां कचरे और गंदगी का ढेर पड़ा रहता है, जहां नगर परिषद के कचरे में गौमाता गंदगी और पॉलिथीन की थैलियां खाती नजर आती हैं। वहीं जिला कलेक्टर को मौके के फोटो वीडियो भी दिखाए गए। बता दें कि सावरिया विश्राम गृह के पास की गंदगी के बारे में चित्तौड़गढ़ नगर परिषद की लगातार कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिस पर कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने संबंधित अधिकारी को तुरंत कार्यवाही करने को कहा। बता दें कि चित्तौड़गढ़ नगर परिषद सभापति ने कुछ दिनों पहले ही सावन मास को देखते हुए शहर भर में मांस और मछली के खुलेआम प्रदर्शन और बिक्री पर रोक लगाई है। इसके बावजूद दूसरी ओर गौमाता को नगर परिषद का गंदा कचरा और थैलियां खाने को नसीब हो रहा है। वहीं पर विश्व धरोहर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आने वाले पर्यटकों को कचरे का ढेर भी देखने को मिलता है, जो कि नगर परिषद की सफाई व्यवस्थाओं की पोल खोलती नजर आ रही है। ऐसे स्थानों पर नगर परिषद को शीघ्र ही ध्यान देना चाहिए। नव भारत समाचार चित्तौड़गढ़ राजस्थान से दुर्गेश कुमार लक्षकार की रिपोर्ट। तो आपका कचरा पॉइंट होने नहीं चाहिए, जब से आपका घर घर कचरा चल रहा है तो कचरा पॉइंट होने नहीं चाहिए। गंदगी है, पूरा पॉलिथीन है, सब है। सब्जी वाली खरीदने के लिए तैयार है, व्यवस्था काफी अच्छी हो सकती है सर वहाँ पे। अगर अपन चाहे, मैंने टूरिस्ट से भी बात की है, टूरिस्ट के लिए